तो भाई साहब टाइम आ चुका है अब आपको जो ना असली सच बचाया जाए। तो भाई ये है बेस बर्ड्स जेड जो कि पीट्रॉन की तरफ से आ रहा है, इसको हम रिव्यू करने वाले हैं। एंड यहाँ पे गाइस इस टाइप की जो केसिंग हाउसिंग के साथ में आ जाता है भाई, एक क्रेजी सा गेमिंग वाला आपको वाइब भी देता है। तो इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे और पूरी तरह से रिव्यू में आपको बताने वाला हूं कि भाई ये जो मैंने परचेस किया था करीबन 999 रुपीस में, अंडर 1000 रुपीस के आता है, बट अभी ऑफर के टाइम में जो है अमेज़न पे करीबन 800 रुपए में मिल रहा है। तो गेमिंग के वालों के लिए भाई तड़के मिलने वाले, म्यूजिक लवर के लिए भाई ये वीडियो परफेक्ट है। एंड गाइस इसके साथ में ना ऐप सेंस भी आता है जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, तो भाई इसके बारे में भी हम बात करेंगे भाई एक्चुअल में होता क्या है, एंड पूरा माल मसाला आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। और हाँ, इसके अंदर में आपको जो है कुछ मैनुअल्स वगैरह नहीं आएगा, वरना इसको आप जो है स्कैन कर लो, यहाँ पे आपको जो है डिजिटली पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, बट आपका भाई आपको पूरा चीज बताएगा यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट इसमें बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। जो ये डिजाइन आता है देखो किस तरह से मस्त डिजाइन है, तो इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में पहले नजर मारते हैं। भाई डिजाइन आपको जो है पूरी तरह से गेमिंग वाला लुक का दे देता है, गेमिंग का फील। यहाँ पे आपको पीट्रॉन की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पे जो है ग्रीन लाइट दिख रहे हो, देख रहे हो पूरे सनलाइट में मैं शूट कर रहा हूं, बट तब पर भी कैमरे पे आपको ग्रीन लाइट इफेक्ट आता है। और डार्क में जाओगे तो भाई एकदम क्रेजी सा लुक आपको आता है ये पूरी तरह से। एंड गाइस पूरी तरह से जो है नोकीले एकदम शार्प एजेस जैसा डिजाइन इसका बना के रखा है, जो कि बहुत ही प्रीमियम डिजाइन और गेमिंग वाला फील आपको देता है। पीछे की तरफ आपको जो है टाइप सी वाला चार्जिंग का पोर्ट का जो है ना होल मिल जाता है। एंड गाइस पूरा स्टडी लुक है, अगर हम नीचे यहाँ पे कहीं भी रखते हैं तो भाई इस तरह से आपको जो है पूरी तरह से फिट हो जाता है। एंड जैसे इसको ओपन करते हैं भाई, ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आपको जो है ना लाइटिंग्स देखने को मिलती है, जो कि भाई एकदम कमाल का गेमिंग वाला फील आपको दे देता है भाई ये। और जैसे आप केस को ओपन करते हो भाई, ये कनेक्टिविटी मोड में चला जाता है। और भाई तो इसकी ओवरऑल अगर जो है ना बिल्ड क्वालिटी में बताऊं, जो हिंज वगैरह जो रहता है भाई बहुत ही स्टडी बात करता है भाई, मतलब एकदम अच्छी खासी क्वालिटी का लग रहा है। मैं इसको कितनी बार भी ऊपर नीचे ऐसे बंद क्लोज कर लूं, अभी तो कुछ भी दिक्कत वगैरह तो नहीं नजर आया। एंड गाइस इसको मैं जो है पिछले 4-5 दिनों से एज अ प्राइमरी TWS यूज करते आ रहा हूं, यानी कि मैंने म्यूजिक सुना, ढेरों सारे गाने सुने, वीडियोस देखे, मूवीज देखे, और साथ में भाई BGMI का गेमिंग वगैरह भी किया। वीडियो के आगे मैं आपको जो है गेमिंग टेस्ट, इसके साउंड लेटेंसी वगैरह भी बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो है ऐप सेंस टेक्नोलॉजी आता है जो आपको मैं आगे बताता हूं। पहले बात करते गाइस इसके फिट की। आप जैसे केस से निकालते हो भाई पेयरिंग मोड में चला जाता है। एंड गाइस इसकी अगर फिट की बात करूं, अगर कान में मैं अगर डालता हूं तो भाई सीरियसली इसकी फिट और जो है कंफर्ट वगैरह बहुत ही अच्छा आता है। आप देख सकते हो तो कुछ इस तरह से जो है पूरी तरह से फिट हो जाता है। एंड गाइस अच्छी तरह से जो है प्रॉपर तरीके से आपके कान में रख जाता है। और मैं गाइस अभी जो है ना मैं टेरेस पे आया हूं, यहाँ पे गाड़ी वगैरह भी चल रहा है, साउंड वगैरह व्हीकल साउंड भी आता है। तो जैसे आप इसको डालते हो ना भाई, ऑलमोस्ट आपको जो है 40-50% आपके सराउंडिंग नॉइज को जो है आइसोलेट कर देता है, क्योंकि जो है इसमें जो है ईयर टिप्स वगैरह जो लगा है वो अच्छी तरह से कंफर्टेबली फिट होता है। वैसे तो मेरे कान जो है साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो मुझे जो है अच्छी खासी ये फिट हो जाता है। बाकी अगर किसी के कान जो एकदम छोटे रहते हैं तो वहां पे आपको जो है दूसरे ईयर टिप्स डाल करके चेक करना होता है, तब जाकर के आपको फिटिंग वगैरह आएगी। बाकी गाइस अगर इसके जो है ओवरऑल अगर फिटिंग की बात करें, बहुत ही कंफर्ट है, बहुत ही प्यारा है। एंड गाइस अगर इसको आप लॉन्ग टाइम के लिए भी कान में लगा के रखते हो तो आपको कुछ भी दिक्कत वगैरह नहीं नजर आती है। यहाँ पे मुझे तो ऐसे एज सच कोई भी दिक्कत नहीं, मैंने लॉन्ग आवर्स वगैरह भी प्ले किया एंड बहुत टाइम से वगैरह भी चलाया। एंड गाइस इसके टच कंट्रोल की बात बताऊं, अगर राइट साइड में अगर आप या लेफ्ट साइड में अगर आप सिंगल टैप करते हो तो प्ले ऑन पॉज हो जाता है, राइट साइड में अगर आप डबल टैप करते हो तो गाना आपको नेक्स्ट चला जाता है, एंड लेफ्ट साइड में अगर डबल टैप करते हो तो भाई गाना प्रीवियस सॉन्ग में चला जाता है। और इसके जो ना म्यूजिक मोड और आपको गेमिंग मोड एक्स्ट्रा मिलता है, अगर आप राइट साइड को 3 सेकंड के लिए दबा करके होल्ड करते हो तो भाई आपको जो ना गेमिंग मोड और म्यूजिक मोड में स्विच हो जाता है। बाय डिफॉल्ट हमेशा ये म्यूजिक मोड में रहेगा, जिसमें जो ना ऑडियो आपको एनहेंस होकर सुनता है। और गाइस यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये जो ना पूरा ही टच पैनल है, ऊपर की तरफ में एक्चुअली जो ना टच काम करता है। और यहाँ पे आपको 3 माइक दे के रखा है, एक यहाँ पे माइक है, एक यहाँ पे माइक है, और एक मैंने ऑब्जर्व किया जो कि यहाँ पे एक माइक है। तो 3 माइक दे के रखा है, जिसके वजह से जो ना आपकी ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी जब आप कॉल वगैरह पे बात करते हो तो भाई वो आपको एनहांस हो जाता है। हमने जो है 2-4 मल्टीपल कॉल्स वगैरह भी ट्राई करके देखा, यहाँ पे जो है कॉल क्वालिटी मुझे ही अच्छा खासा लगा, एंड सामने वाले को भी अच्छी खासी आवाज आपको चली जाती है। बाकी एक दिक्कत आई, अगर आप हेलमेट वगैरह में डाल के पहनते हो तो भाई ये क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा है, तो जो हेलमेट में जब टच होता है तो भाई वो साउंड उनको सुनाई देगी। एंड ये सिर्फ इसी TWS के नहीं, बाकी और भी TWS में मैंने ये प्रॉब्लम ऑब्जर्व करके देखा, तो जो कि सिमिलर सा चीजें हैं यहाँ पे। तो बॉक्स को आप जैसे ही, केस को जैसे ही आप ओपन करते हो, ऑटोमेटिकली ये लाइट जलने लगता है। और यहाँ पे देख सकते हो भाई ये वाला लाइट जो है ना बार बार आपको जलते रहता है, एंड एक बार कनेक्ट होने के बाद में जो है ना ये बंद हो जाता है, फिर बीच में कभी काल आपको जो है ये लाइट जल के फील देता है, वरना अगर कंटिन्यूसली जलता रहा कान में तो भाई अच्छा भी नहीं लगेगा। अभी देखो पेयरिंग मोड पे है, एंड अब पेयर करते हैं। अब यहां पे देख सकते हो गाइस
ये है यहाँ पे ब्लूटूथ का सिंबल। हम जैसे इसको ओपन करते गए इंस्टेंटली ये जो है ना पेयर हो जा रहा है, देख सकते हो ब्लूटूथ यहाँ पे पेयर हो चुका है, यानी कुछ भी पेयरिंग वगैरह में मुझे कुछ भी यहाँ पे इशू वगैरह नहीं लगा एज सच, एंड ओवरऑल जो है ना कनेक्टिविटी के मामले में बहुत ही बढ़िया है। अगर आप म्यूजिक के लिए लियो गाने वाने वगैरह सुनना है तो भाई मैं तो बोल रहा हूँ ले लो, क्योंकि जो ना मैंने जो ना इसको 999 पे परचेस किया और 999 के हिसाब से जो ना भाई इसकी जो साउंड क्वालिटी है, जो ओवरऑल जो बेस का जो प्रीमियमनेस आता है आपको जो ना एकदम ठुटुक ठुटुक वाला नहीं आता, बगैर आप बेस लवर हो ना भाई एक अच्छी क्वालिटी की बेस आपको मिलती है। जो स्टीरियो सेपरेशन वगैरह है वो जो कर अच्छा मिलता है आपको, जो ना आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रहते हैं वो आपको क्लियरली सुनाई देता है। ऐसे एज सच कोई भी दिक्कत मुझे अभी तक जो ना नजर आई नहीं आई यहाँ पे, जैसे वोकल्स का हो गया है या फिर मिड्स एंड लोस वगैरह हो गया, हर चीज जो है ना यहाँ पे अच्छी खासी बैलेंस होकर आता है। तो आजकल जो है ना मैं पीट्रॉन को कुछ ज्यादा ही प्यार करने रहा हूँ, क्योंकि जो ना मीवी के साथ में जब मैं कंपेयर करता हूँ भाई इसी प्राइस रेंज पे भाई मीवी की प्रोडक्ट जो है ना उतनी क्वालिटी नहीं दे पाती, बट ये वाली जो है ना अच्छी खासी क्वालिटी दे रही है भाई पीट्रॉन की तरफ से। पीट्रॉन के हमने जो ना कुछ और लोअर बजट्स वाले भी ट्राई किए, उसका भी अच्छा खासा हमें रेस्पॉन्स मिला, जिसका वीडियो जो ना हमारे चैनल पे मिलेगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड बाकी गाइस इसके जो ना ऑडियो सेपरेशन वगैरह बहुत ही क्लियर आया, मगर अगर आपको जो ना अभी जो ना सेल वगैरह चल रहा है जिसमें आपको जो ना 800 रुपीस में आपको जो ना ये वाले TWS मिल रहा है, मैं बोलता हूं भाई अगर आपको एक अच्छी खासी गेमिंग वाली चाहिए तो हम जो ना गेमिंग वाले टेस्ट भी आगे करने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखना, आपको जो ना गेमिंग के भी तड़के दिखाएंगे, लेटेंसी चेक वगैरह भी करेंगे। बशर्ते म्यूजिक क्वालिटी चाहिए तो भाई बेस्ट क्वालिटी अभी आपको जो ना इस प्राइस रेंज पे आपको ये वाली बेट्सबर्ड्स में आपको मिल जाती है भाई। और सबसे बड़ी अच्छी चीज मुझे क्या लगती है पता है, इसका इन हैंड फील्ड अगर हाथ में रखते हो भाई बहुत ही पाम साइज में आ जाता है आपको जो है, अच्छी खासी लाइट क्वालिटी आपको दिख रही है, ये जो ना RGB वाले तड़के जो है ना बहुत ही अच्छा देता है। और मैंने जो है ना इसके अंदर जो ना मल्टीपल गेम्स वगैरह भी खेला है, तो उसका भी नजर आपको दिखाता हूँ गेम्स की क्वालिटी वगैरह आपको कैसी नजर आती है। तो भाई साहब मैंने जो है ना ऑन कर लिया क्राफ्ट ऑन BGM, इनफैक्ट जो है मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर जो मूवी वगैरह और जो गेम्स वगैरह है हर चीज मैंने करके देखा है, बट जैसे आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे रियल जो इंस्टेंटली जो फीडबैक होता है ना वो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ। नो डाउट भाई गेमिंग के मामले में बहुत ही अच्छा खासा रेस्पॉन्स टाइम हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अब इसमें जो है ना एडसेंस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, इसका मतलब क्या होता है, एडसेंस टेक्नोलॉजी से क्या होता है आपका जो भी लेटेंसी होता है वो 40 मिलीसेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में इसकी बैटरी लाइफ 45 आवर्स तक का जो है देता है। तो यानी अगर कोई भी TWS अगर खरीदने जाओ, अगर आप एबसेंस का जो बॉक्स में मैंने दिखाया था अगर वो चीज अगर आपको दिखता है तो भाई उसमें जो ना आपको अच्छी खासी प्रीमियम क्वालिटी की भाई गेमिंग की लेटेंसी मिल जाएगी, यानी लो लेटेंसी देंगे तो क्या होगा भाई अच्छी खासी आप जो है ना शूट कर पाओगे। एंड बाकी गाइस हमने जो है थोड़ी देर गेम वगैरह खेल के देखा, यहाँ पे आपको जो ना ऑडियो सेपरेशन वगैरह बहुत ही अच्छा मिलता है, लेफ्ट एंड राइट वगैरह अच्छी तरह से मिल जाता है, फुटप्रिंट्स के साउंड जो आता है वो भी बहुत ही क्लियरली सुनाई दिया है, एंड ऊपर से गेमिंग के मामले में क्या चाहिए आपको जो ना अच्छे खासे साउंड क्वालिटी, और आपको पता चले स्पेशली लेटेंसी ना हो तो भाई इसमें भाई लिटरली भाई लेटेंसी का पता नहीं चलता है। हालांकि अगर आप जो ना ई स्पोर्ट्स वगैरह करते हो, नेक्स्ट लेवल की गेमिंग वगैरह करते हो उसके लिए रेकमेंडेड नहीं है, बट अगर आप रोजाना डेली वगैरह गेम खेलते हो, कैजुअल गेमिंग वगैरह कर लेते हो आराम से कर सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ पे जो है आपको लेटेंसी देखने को नहीं मिल सकती, और 40 मिलीसेकंड भाई अच्छी खासी लेटेंसी होती है। इनफैक्ट नॉर्मल डे टू डे यूज में अगर आपको 50 मिलीसेकंड की लेटेंसी मिलती है तो भाई आपको गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आता है। अगर आप कॉम्पिटेटिव लेवल में चले जाते हो जहां करके भाई एक स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे हो, जैसे भाई मॉडल्स वगैरह जो खेलते हैं भाई और बड़े बड़े प्राइजिंग इनाम वगैरह रहते हैं या बैटल ग्राउंड्स कहते हैं, वहां पे भाई आपको जो है ना एक अगर 5 मिलीसेकंड के अभी डिले है तो वहां पर आपको दिक्कत देखने को मिलती है, राइट। बाकी नॉर्मल गेम यूसेज में भाई अगर 800 या फिर 1000 रुपए के हिसाब से भी मैं काउंट करूं भाई गेमिंग की क्वालिटी भाई बहुत ही तगड़ी लेके आके रखा है। एंड भाई यहाँ पे गाइस मुझे जो है ना जो फुटप्रिंट्स के साउंड जो आते हैं या फिर बुलेट्स की जो आवाज आती है कितनी दूर से आ रही है पास में आ रही है भाई वो फील हुआ है। स्पेशली अगर जब आप दौड़ते रहते हो कोई आपके ऊपर फायर करता है ना, वहां पे जब आपको बुलेट्स आपके कान के पास से जो फास्ट से पास होते भाई उसकी क्वालिटी भाई अच्छी खासी, क्योंकि जो ना इसकी स्टीरियो सेपरेशन अच्छा है, यानी राइट साइड से अगर पास होता भाई जुब से उस साउंड आपको सुनाई देखने को मिलता है। आपको देखो जब इसको आप एक्सपीरियंस करोगे ना ये सब चीजें तब जाकर के इसकी क्वालिटी समझ में आएगी। बाकी गाइस BGMI का लेटेस्ट अपडेट भी आ चुका है, हमने जो है लेटेस्ट अपडेट पे गेम खेल के देखा भाई क्या एकदम बॉल वॉल ड्रैगन बॉल जी को कलेक्ट करना, आपने खेला है कि नहीं मुझे नीचे कमेंट में जरूर।
तो भाई ओवरऑल जाकर के यहाँ पे जो ना जो इसके अंदर में जो ना तीन माइक्रोफोन का होल्स देके रखा है। अब बॉक्स पे कहीं पे मेंशन नहीं है कि कितने माइक्स वगैरह यूज करके रखा है, बट जिस हिसाब से सेटअप लग रहा है मुझे जो है ट्रिपल माइक एक ईयरबड्स के ऊपर जो है सेटअप लग रहा है। एंड जब हमने कॉल क्वालिटी वगैरह एक्सपीरियंस करके देखा, स्पेशली जब गेमिंग के टाइम में जब हमने टीममेट्स वगैरह के साथ में बात करके देखा, तो अपोजिट वाले पर्सन को जो है एक अच्छी खासी क्लियर ऑडियो गई और उनका आवाज भी अच्छी खासी क्लियर से सुन रहा था और सामने वालों का भी अच्छा खासा रेस्पॉन्स था। तो ओवरऑल गेमिंग के मामले में मुझे बहुत ही तगड़ा लग रहा है कंपैरेटिव जो प्राइस रेंज में मिल रहा है। इसका कंपैरिजन मैं बताऊं तो ट्रू के जो 1500 के जो क्वालिटी वाले आते हैं, 1500 या 2000 अंडर 2000 के जो गेमिंग क्वालिटी आपको आते हुए, वो आपको ये आराम से निचोड़ के दे रहा है। और अभी के टाइम में जो 800 रुपए का जो ऑफर चल रहा है, मैं बोलता हूँ इसको ग्रैब कर लो। एंड बाकी यस यूजुअली 1000 रुपए के आसपास में लिस्टेड रहता है। बाकी अगर फ्यूचर में वीडियोस वगैरह देख रहे हो तो भाई प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है। लॉन्च प्राइस था कुछ इसका 1500 रुपए और 1000 से 1500 के बीच में चलते रहता है इसका प्राइस हमेशा। तो अगर कहीं भी आपको जो है कम प्राइस में मिलता है तो भाई मैं तो डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा आप इसको जो है बाय कर सकते हो। अगर आपका बजट कम है और अच्छी खासी गेमिंग के लिए आपको जो है एक TWS खोज रहे हो तो भाई डेफिनेटली आप इसको जो है चेकआउट कर सकते हो। बाकी यस ये वाले फीचर जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, जो गेमिंग वाला जो वाइब देता है, देख सकते हो लाइट बीच बीच में चलते रहता है, ये अच्छा एक क्वालिटी प्रीमियम लुक दे देता है। देख सकते हो भाई यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो इस तरह की डिजाइनिंग आपको मिल जाती है। और यहाँ पे भाई ये लाइट जो है ना कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बट ऑटोमेटिकली ये रेड एंड ग्रीन कलर में रैंडमली ऑटोमेटिकली चलते रहता है। बाकी गाइस इसके जो ना एबसेंस टेक्नोलॉजी की वजह से जो ना बैटरी एफिशिएंसी अच्छी खासी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो ना ये लाइट भी जलती रहती है। बैटरी की बात करेंगे ओवरऑल इसका जो ना हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के साथ में जो ना 40 आवर्स का जो ना बैकअप देती है, बट जैसे हमने यूज करके देखा मेरे अंदाज से ना करीबन 35 आवर्स का जो ना आराम से ये निकलवट करके दे देगा। तो भाई दैट इज गुड। एंड जैसा मैंने बताया गेमिंग कंसोल मोड के लिए आपको जो ना 3 सेकंड के लिए राइट साइड के लिए आपको जो ना टच करके रखना होता है, तो आपको जो ना गेमिंग मोड में चला। और भाई साथ में मैंने एक और चीज ऑब्जर्व करी TWS ने गेम के मामले में, जो BGMI का जो लेटेस्ट अपडेट आया ना कल ही आया था, तो भाई इसके बाद में जो ना इसकी ओवरऑल जो है स्क्रीन की क्वालिटी बढ़ गई है, जो ग्राफिक क्वालिटी होती है वो अच्छा खासा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई। बाकी कैसे मल्टीपल गेम्स और भी खेल रहा हूँ जिससे मैं और कुछ आपको डिटेल में चीज। तो यहाँ पे जो है ना फुटस्टेप्स वगैरह जो है ना अच्छी खासी सुनाई दे रही है मुझे। अगर मैं फुल साउंड पे भी इसको अगर फुल साउंड पे भी रख देता हूँ तो भाई साहब मुझे एज सच कुछ भी दिक्कत वगैरह जो है ना नजर नहीं आ। भाई साहब अगर फुल वॉल्यूम में सुनता हूँ ना भाई, देखो आवाज में कुछ दिक्कत तो नहीं नजर आती है, मतलब फटने जैसा वगैरह कोई भी इश्यू नहीं है। एनिमी आ गया भाई, एनिमी आ गया, एनिमी को मारते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। वो रहा एनिमी, देखो यहां भाग रहा है एनिमी, भाग रहा है भाई। डिले वगैरह मुझे नजर नहीं आ रही है भाई साहब, इंस्टेंटली दे रहा है ये, तो देख सकते हो। आपको भी कुछ सैंपल्स वगैरह मैं दिखाऊंगा, मैंने सैंपल रिकॉर्ड करने गया भाई पीछे से किसी ने मार दिया, फिर से नए गेम में जाकर के देखो खत्म हो गया। तो अब नए गेम में जाकर के आपके लिए एक सैंपल दिखाता हूँ, सैंपल पे एक बार नजर मार देना, लेटेंसी का आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। और हाँ इस चीज को आप जो ना ईयरफोन वगैरह पहन के यूज करना, ईयरबड्स वाले पहन के यूज करना TWS यूज करते हो, क्योंकि आपके अगर TWS में डिले होगा तो भाई आपको लगेगा कि यहाँ पे डिले। या तो आप लाउडस्पीकर पे सुन लेना या तो एक वायर्ड वाला TWS पे डाल करके सुनना, तब आपको इसकी क्वालिटी अंदाजा मिलेगा। और हम चलते हैं भाई एक नए गेम पे। ये रही भाई साहब लेटेंसी टेस्ट, अब जाकर इसको फायर करते हैं, आप देखना साउंड क्वालिटी कैसी आती है। इसको मैं अब सिंगल पे करते हैं, आप देखो अब यही इसकी जो है ना गेमिंग मोड को चेंज कर देते हैं। तो अभी भैया हमने जो है म्यूजिक मोड पे डाल दिया ना, ऑफ कोर्स जो है डिले आएगा, बट आपको जो है अंदाजा के लिए दिखा रहा हूं, आप देखो डिले आ रहा है। अब फिर से मैं इसको गेमिंग मोड पे कन्वर्ट करता हूं, देखो भाई साहब ये गेमिंग मोड पे चला गया, अब देखो तुम्हारा भाई साहब प्रो लेवल का है।
तो फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं गाइस। इनफैक्ट देखो अभी जो है ना एक बार गिर भी चुका था ये ईयरबड्स, कुछ नहीं हुआ, चल रहा है इनफैक्ट, और केस के साथ में कल मेरे घर में मेरे से गिर गया था। तो यहाँ पे जो है बिल्ड क्वालिटी बहुत ही खास है, अच्छी है, मुझे कुछ में दिक्कत नजर नहीं है। जितने भी TWS से मैंने कंपेयर किया, यूज किया था भाई, उसके हिसाब से मैंने सॉलिड ग्रिप है। साउंड के मामले में भाई आपको ऑडियो क्वालिटी एनहांस, जब म्यूजिक मोड में रहते हो भाई अच्छी खासी क्वालिटी आपको मिल जाती है। गेमिंग में भाई तगड़ी लेवल की गेमिंग कर सकते हो। एंड कंसिडरिंग दिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है, अगर आपको 1200 रुपए तक भी मिलते हैं भाई, आई थिंक दिस इज द बेस्ट TWS फॉर गेमिंग के लिए और म्यूजिक लवर्स के लिए। इनफैक्ट अभी जो ना सेल चल रहा है जहां पर कि आपको 800 रुपए में भी मिल सकता है, आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। रेगुलर प्राइस इसका 1000 रुपए है, ऊपर नीचे थोड़े बहुत होते रहते हैं, बाकी मैं लिंक्स वगैरह मैंने दे दूंगा नीचे, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। भाई गाइस मुझे तो भाई बहुत ही प्यारा लगा ये वाला TWS, और सबसे बढ़िया गाइस ये जो है लाइटिंग का जो गेमिंग वाला जो लुक दे देता है, ग्रीन कलर की जो लाइट जलते रहता है इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ये जो है ना बहुत ही प्यारा सा लुक देता है। तो गेमिंग के लिए और अच्छी खासी ऑडियो के लिए भाई आप दोनों के लिए भाई रेकमेंडेड है। कम बजट है आपका, डेफिनेटली पीट्रॉन जेड बेस प्लस जेड के लिए आप डेफिनेटली जा सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर देना। एंड गाइस जो भी सजेशंस वगैरह था, आपको दूसरे टाइप के भी ये TWS वगैरह देखने थे, उसके भी कुछ भी सजेशंस है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल देना, मैं कवर करूंगा। भाई गाइस हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट करना, ढेरों सारे ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और इन डेप्थ रिव्यू था ये गाइस। ये तो इस वीडियो में मैंने आपको इन डेप्थ रिव्यू करके बताया पीट्रॉन की तरफ से आने वाला बेस बर्स जेड, जो कि आई एम श्योर आपके अच्छा लगा होगा। बाकी नीचे कुछ भी सवाल क्वेश्चंस वगैरह नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना। एंड मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस।